गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट अस कंटिन्यू विद द प्रीवियस टॉपिक। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड डिफरेंटली, दे कैन चेंज देयर फूड हैबिट्स, सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय मूवमेंट, स्पेशल एडेप्टेशंस लाइक कैमोफ्लेज, माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। Now, in previous class, I told you about habitat and adaptation, how they adapt themselves according to their surrounding. Now, see how they are adapted, how they adapt themselves. They adapt themselves by changing their food habits. They adapt by changing their food habits. And survive in extreme cold and heat climate. They survive in cold and heat climate. Protect themselves by movement. By movement. Third one is movement. Movement means they go from one place to another. It may also be called migration. Okay, and special adaptations like camouflage, and fourth is adaptation like camouflage migration and hibernation. Children, they adapt themselves by changing their food habits. They change their food habits to adapt according to the environment. They move from one place to another by movement. They survive themselves on that climate, whether it is in the extreme cold and heat climate. For extreme cold climate, they hibernate. Okay, they protect by movement. Movement means they migrate from one place to another. And special adaptations are camouflage, migration and hibernation. अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालने के लिए वो क्या क्या करते हैं? पहला है changing their food habits. वे अपनी food habits को change कर देते हैं. अगर suppose ये कैसे आप समझेंगे, जैसे कि उनके चारों तरफ मान लीजिए सिर्फ पेड़ पत्तियां हरे पौधे ही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उन्हीं को खाना शुरू कर देंगे. मतलब अगर वो मान लीजिए कार्निवोर्स भी हैं, अगर उनको नहीं मिल रहा है फ्लैश खाने को, उनके चारों तरफ सिर्फ पेड़ पत्तियां हरे पौधे हैं, तो वे उसी को खाना शुरू कर देंगे. मतलब अपनी फूड हैबिट को चेंज कर देंगे. और सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्मी में भी वे अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं. जैसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, जैसे मैंने आपको बताया था पोलर रीजन्स में पोलर बियर्स वगैरह रहते हैं, तो वो कोल्ड क्लाइमेट में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जब कोल्ड क्लाइमेट शुरू होने लगता है तो पोलर बियर वो क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है. हाइबरनेशन मींस वो क्या करता है, खूब सारा खा लेता है, फिर वो 6 महीने के लिए सो जाता है, सुप्तावस्था में चले जाता है. हाइबरनेशन को बोलते हैं सुप्तावस्था हिंदी में. ओके, खूब सारा खा के वो 6 महीने के लिए सो जाता है, ताकि उस कहां पे सोता है, गुफा में या ऐसे अंदर वाली जहां पे गर्मी मिले उसे, उस जगह पे जाके वो 6 महीने तक सो जाता है. अपना सारा मेटाबॉलिज्म रेट को धीमा कर देता है, ताकि धीरे धीरे जो उसने खाया है वो उसके 6 महीने तक बना रहे, वह जिंदा रहे. ठीक है. और हीट में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो पहली बात तो उनकी स्किन ही थोड़ी मोटी होती है. जैसे कैमल की स्किन क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि डेजर्ट्स में बहुत गर्मी होती है. तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होने पे अक्सर वो शेडी एरियाज में जाकर के सो जाते हैं. मतलब जहां पे थोड़ा सा पानी हो, मॉइस्चर हो, और जहां पे शेड हो, मतलब जहां पे धूप कम आए, उस जगह पे जाकर के वो सो जाते हैं. ठीक है. और प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय मूवमेंट. मूवमेंट मींस वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे बोलते हैं माइग्रेशन. अगर उनको उस जगह पे अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, वो पूरा का पूरा झुंड एक साथ उस
दूसरी जगह चला जाता है जहां पे उनको अपने अनुकूल क्लाइमेट या वेदर मिल जाता है, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। आपने सुना होगा बर्ड्स एक साथ झुंड में सारी बर्ड्स दूसरी जगह से किसी और जगह पे चली जाती हैं, क्योंकि वहां पे वो अपने आप को नहीं ढाल पाती हैं, तो वो उनको पता रहता है कि ये क्लाइमेट इतने दिन तक यहाँ पे ऐसा रहेगा, तो वो अपने क्लाइमेट के अनुकूल दूसरी जगह जाके मूव कर जाते हैं एक साथ। आपने सुना होगा, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, इस बार भी ऐसा ही हुआ था दिल्ली बॉम्बे वगैरह में, एक साथ चिड़ियों का झुंड आ गया था, टिड्डियों का झुंड आ गया था। ओके, तो इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। और स्पेशल अडेप्टेशंस लाइक कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? इसमें जानवर अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुसार अपने शरीर का भाव या अपने शरीर का रंग वो चेंज कर लेता है। जैसे गिरगिट, गिरगिट्स जो है वो कैमोफ्लेज में बहुत एक्सपर्ट्स होती हैं। अगर वो किसी हरी डाली पे बैठी हैं और उनको दिखता है कि कोई सांप हमको देख रहा है, उनको खाने के लिए अगर उसको दिख जाता है कोई सांप मुझे देख रहा है मुझे खाने के लिए, तो गिरगिट क्या करेगी? अपना कलर उस हरी डाली के अनुसार कर लेगी, तो उससे क्या होगा, सांप को पता ही नहीं चलेगा कि उस डाल पे गिरगिट बैठी है। इसे हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। अपने आप को अपने वेदर के अनुसार अपने शेप को चेंज करना या अपने रंग को चेंज करना, मतलब अपनी बॉडी का ऐसा फॉर्मेशन कर देना कि आपको कोई पहचान ना सके, इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन। ADAPTATION To adapt means to modify. Any feature that helps an animal to modify itself in some way to survive better in its environment is called adaptation. Adaptation helps an animal to get food, keep safe and protect itself from the harsh weather conditions. For example, polar bears have thick coats of fur on their bodies which keep them warm. Snakes have scale on their bodies which help them to crawl. Adapt means to modify, means to change yourself according to the environment. Okay? Any feature that helps an animal to modify itself in some way to survive better in its environment is called adaptation. This adaptation helps an animal to get food, to be safe and protect itself from the harsh weather conditions. For example, polar bears have thick fur on their bodies which keep them warm in winters. Okay, and snakes have scale which on their bodies which help them to crawl on the ground. Adaptation का मतलब होता है modify, अपने आप को change कर लेना, अपने आप को modify कर लेना। कोई भी ऐसा feature किसी animal में, वह फीचर जिससे कि वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को इस तरह से चेंज कर लेता है कि वह उस एनवायरनमेंट, उस वातावरण में अपने आप को अच्छी तरह से ढाल सके और सरवाइव कर सके, इसे बोलते हैं अडेप्टेशन। कोई भी फीचर जो एनिमल में अपने आप को, एनिमल के फीचर्स को मॉडिफाई करने की अवस्था को अडेप्टेशन करते हैं। उस अडेप्टेशन से क्या होता है, वह उस एनवायरनमेंट में सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है और जिंदा रहता है। एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए वह अपने आप को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन से क्या होता है, एनिमल को फूड मिल जाता है, और अडेप्टेशन से क्या होता है, फूड मिलता है, सेफ्टी मिलती है, सेफ रहता है, और क्या मिलता है, हार्श वेदर कंडीशन से सुरक्षा मिलती है। अडेप्टेशन से क्या होता है, उसे फूड मिल जाता है। जैसे हमने बताया ना आपको, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके चारों तरफ सिर्फ पेड़ पत्ती हैं, तो वो अपने आप को पेड़ पत्ती ही खाने लगता है और इस तरह से अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेता है। उसकी बॉडी पेड़ों, फल फूल पेड़ वगैरह ही खाना शुरू कर देती है। तो अपने आप को फूड इस तरह से मिलता है, सेफ रहता है, अडेप्टेशन करने से वो सेफ रहता है, मतलब वो जिंदा रहता है, उसको किसी का डर नहीं रहता है, और अपने आप को
एकदम हार्श वेदर कंडीशन, कठोर वातावरण से भी वो अपने आप को अडेप्ट करके बचा लेता है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है, पोलर बियर्स होते हैं। पोलर बियर्स के शरीर में जो फर होता है ना, बाहर का जो स्किन में जो फर होता है वो बहुत मोटा होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर विंटर्स बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उस फर से उसकी खरी को गर्मी मिलती रहती है और वो हाइबरनेट भी कर जाते हैं। ओके, और इसी तरह से स्केल्स के नीचे स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं जो कि उनको क्रॉल रेंगने में मदद करते हैं। ओके, तो ये उनका अडेप्टेशन है। ये उन्होंने क्या किया है, ये उनका फर जो है वो उनका अडेप्टेशन का फीचर है, और स्नेक में जो स्केल्स हैं वो उनका अडेप्टेशन का फीचर है। ओके, आपको समझ में आ गया अडेप्टेशन। अब देखिए फैक्ट में क्या लिखा है, माइग्रेशन हैपेंस एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन फॉर बर्ड्स इट हैपेंस ट्वाइस अ ईयर। जो माइग्रेशन है वो एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में होता है। जैसे बर्ड्स, कभी कभी बर्ड्स ठंड के समय में एक साथ झुंड बना के दूसरी जगह पे चली जाती हैं, हर साल वो माइग्रेट करती हैं। कभी कभी बर्ड्स वो गर्मी के बाद जो सीजन आता है उसमें गर्मियों में माइग्रेट करके दूसरी जगह पे चली जाती हैं, मतलब। और बर्ड्स एक साल में दो बार माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह, अपने आप को वातावरण जब उनसे नहीं सहन हो पाता है वो, तो वो एक साथ मिल करके दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाती हैं। ओके, नाउ दिस वाज अडैप्टेशन। नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।